सो वेलकम बैक टू माई चैनल। और आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि बॉलीवुड के जो गाने आए हैं, खास करके तीन ऐसे गाने, तीन नहीं दो गाने, और एक जो है वो देखा जाए तो भाई साउथ की तरफ से है, लाइगर फिल्म की तरफ से। तो भाई उस गाने को सुनने के बाद जो मेरे अंदर में आया, मैं वही आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले बात करना चाहूंगा शमशेरा फितूर गाने के बारे में। ये गाना जब देखने के लिए बैठा तो लगा यार कितना खूबसूरत कंपोजिशन है और कितना खूबसूरत तरीके से इसको कोरियोग्राफ किया गया है। और पता नहीं क्यों इस सॉन्ग को देखने के बाद वाणी कपूर को बड़े स्क्रीन पे देखने का मूड बन गया। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मुझे किसी हीरोइन को देख करके ऐसा नहीं लगता कि सिर्फ इस हीरोइन को देखने की वजह से मैं थिएटर में जाऊं। मेरे लिए मूवी काफी दमदार होनी चाहिए। और अभी तो बात ऐसी है कि भाई कोई भी मूवी हो मुझे देखने जाना ही पड़ता है। सो शमशेरा के अंदर में जो गाना दिखाया गया, उस गाने को देखने के बाद एकदम अमेजिंग फील हुआ। अब आप सोच रहे होगे कि थंबनेल पे कॉपी करके लिखा है वो किस गाने के बारे में है, वो भी मैं बताऊंगा। लेकिन उससे पहले बात करना चाहूंगा लाइगर के बारे में और हमारे बॉलीवुड के बारे में। देखो अभी हम लोगों ने जितने सारी मूवीज देखी है ना साउथ की तरफ से, वो सिर्फ और सिर्फ सुपर हिट मूवी थी, एक ब्लॉकबस्टर मूवी थी जो कि भाई हम सब में फैल गया। और उसके बाद से हमारा जो ट्रस्ट है ना वो काफी हाई लेवल पे पहुंच चुका है साउथ की मूवीज को लेकर के। लेकिन इस साल अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ कि जितनी भी साउथ से मूवीज आई है वो सब के सब हिट हो गई है। देखो विक्रम एक जबरदस्त मूवी लगी, उसके अलावा KGF 2 मास एंटरटेनर मूवी थी, और उससे पहले RRR वो देखा जाए तो भाई राजा SS मौली की तरफ से जब भी कोई मूवी आता है तो उसके लिए दीवानगी हर किसी पे छा जाती है। तो ये कुछ मूवीज थी जो कि भाई पिछले 6 महीने में सिर्फ 3 हिट कर पाई है, और उसके अलावा ना जाने कितने सारे मूवीज आई है। इनमें से क्या वो सभी मूवी जो है हिट हो गई है? अब यार सभी लोगों की एक्सपेक्टेशन लाइगर को लेकर के है, और उसके पीछे का रीजन ये है कि अर्जुन रेड्डी में जो है विजय देवरकुंडा ने जबरदस्त काम किया है, और उसके ऊपर में रीमेक बना करके शाहिद कपूर का करियर जो समझ लो एक तरह से रिवाइव हो गया है। लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग शाहिद कपूर का जो परफॉर्मेंस था ना वो उससे कहीं ज्यादा बेटर था, ये मुझे लगता है, आप लोगों का मुझे नहीं पता। तो अभी लाइगर में जो गाना आया है अकड़ी पकड़ी, ऐसा क्यों लग रहा है कि इसके लिरिक्स को लेकर के कोई काम ही नहीं किया गया है? बस उन लोगों को एक कॉन्फिडेंस कि भाई इस गाने को कैसे भी लिख डालना है, और वैसे भी जो है पूरी इंडिया अभी साउथ के सपोर्ट में होकर के आ रही है, कुछ भी परोस दोगे तो भाई लोग जो उसको देखेंगे उसको सुनेंगे और सुपरहिट बोल देंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। इस गाने के ऊपर में पिछले 10 घंटे के अंदर में 8.9 मिलियन समथिंग कुछ व्यूज आए हैं, जबकि इससे कहीं ज्यादा आना चाहिए था लेकिन नहीं आया है। तो भाई ये गाना जो है भाई उतना ज्यादा एंटरटेनिंग नहीं लग रहा है, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, आप लोगों का कुछ और हो सकता है। टाइगर की जहां तक कि ट्रेलर देखने के बाद जो फील आया है उसको देख करके ऐसा नहीं लग रहा है कि पैन इंडिया लेवल पे जो है ये मूवी आ रही है तो एकदम जबरदस्त होगी और सबको पसंद आएगी, ऐसा मुझे फील नहीं हो रहा है। बस एक नॉर्मल सी मूवी जैसी होती है वैसे ही होने वाली है, लेकिन कुछ मास्टर ब्लास्टर कुछ होने वाला ऐसा तो मुझे फील नहीं हो रहा है। बाय द वे इस फिल्म के टाइटल को लेकर के मुझे थोड़ा कंफ्यूजन था, तो मुझे किसी ने बताया कि लायन और टाइगर का मिक्स कर दो तो लायन का लाई और टाइगर का गर लाइगर हो गया। अमेजिंग। अब आते हैं उस गाने के ऊपर में जिसके ऊपर में टैग लगते लगते बज गया। एक विलेन रिटर्न का जो ये गाना है मैंने तेरा नाम दिल रख दिया, इसका कुछ गाना ऐसा है, मैंने तेरा नाम दिल रख दिया। अब इस गाने को जो है एग्जैक्टली जब मैं फर्स्ट टाइम ट्रेलर पे सुन रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये एक बंगाली सॉन्ग का कॉपी होने वाला है, और वो गाना कौन सा था, आमी शुद्ध चेची तुम्हारे, आमी शुद्ध चेची तुम्हारे। ये गाना जो है जीत गांगुली की कॉम्पोजिशन पे है, लेकिन फाइनली जब ये गाना आया तो ये रीमेक से बच गया। लेकिन अगर उसकी रीमेक भी होती ना तो भी चलता था, और ये गाना वैसे भी देखा जाए तो जबरदस्त है। तो जो लोग अभी कह रहे हैं कि बॉलीवुड खत्म हो चुका है, नहीं, गाने पे नजर डालो जरा, आने वाली मूवीज पे थोड़ा नजर डालो। हाँ हमारी एक्सपेक्टेशन जो है साउथ की मूवीज को देख करके बहुत ज्यादा हाई हो चुका है, हॉलीवुड के कंटेंट को देख करके जो है हमारा माइंड जो है कुछ और चाहता है, लेकिन बॉलीवुड का एक अपना टेस्ट है और वो भी जो है उस पर काम कर रही है कि अपनी उन सारे पहचान को बदल करके सामने रख दे, जैसे कि शाहरुख खान उस पर काम कर रहे हैं, रणबीर कपूर काम कर रहे हैं ब्रह्मास्त्र के ऊपर में। तो भाई इन सारी मूवीज को देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि बॉलीवुड खत्म नहीं हो गया है, बॉलीवुड फिर से उठेगा। साउथ इंडस्ट्री अपने जगह पे है, हिंदी इंडस्ट्री अपने जगह पे है, और अगर ओवरऑल इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की बात की जाए तो हर जगह का जो है अपना अपना एक टेस्ट होता है। अब भाई इस पे ये कह देना कि बॉलीवुड खत्म हो चुका है, ऐसा नहीं है, क्योंकि एक विलन के बाद एक विलन रिटर्न से जो है काफी ज्यादा उम्मीद है। देखो यार ये मूवी टॉस पे है कि भाई इसमें अर्जुन कपूर भी है और तारा सुतारिया भी है, लेकिन फिर भी भरोसा इस बात पे है कि मोहित सूरी ने अगर इनको लिया है तो कुछ तो सोच समझ करके लिया होगा, बस ये मिलाप जावरी जैसी फिल्म ना बन जाए जैसे कि लास्ट टाइम मैंने देखा था। सो जाते जाते इतना ही कहूंगा कि यार हर चीज को देख करके जजमेंटल होने की जरूरत नहीं है कि भाई आप पहले से प्रिडिक्ट कर लो कि ये ऐसा होने वाला है या ऐसा दिखाने वाले हैं, इस फिल्म का तो कुछ नहीं हो सकता, या फिर ये पोस्टर जो है यहाँ से कॉपी किया हुआ है, ये ट्रेलर का ये सीन जो है यहाँ से कॉपी है। वैसे एक विलन रिटर्न के जो डायरेक्टर है वो है मोहित सूरी, मोहित सूरी ने मलंग को भी
भी डायरेक्ट किया था, उससे पहले एक विलन ओरिजिनल जो था मतलब पार्ट वन उसको भी किया था। और इस मूवी को देखकर के ऐसा लग रहा है कि उन दोनों मूवी को मिला करके मतलब जितने शॉट्स है ना, बहुत सारे शॉट ऐसे याद दिला रहे हैं कि मलंग का शॉट, जैसे कि वो हैंडी कैम पे खुद को शूट करना, या फिर बहुत सारे गोवा के सीन्स दिखाने, या फिर हुडी के साथ में जो है जॉन अब्राहम का एंट्री मारना, यूं लग रहा था कि वो मलंग का शॉट है। बट फिर भी हम इंतजार कर रहे हैं पूरे दिल के साथ में कि ये जब मूवी आए तो भाई बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर हो, जैसे एक विलन हुई थी, जैसे कि और भी मूवीज होती है बिल्कुल वैसे ही हो। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, व्हाट्स योर टेक, प्लीज डू कमेंट। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। यहां तक वीडियो देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो, जबरदस्त रहो।